सामान को सिर्फ मार्केट से खरीद लाना ही ज़रूरी नहीं होता, उन सारी चीज़ों को सही जगह पर व्यवस्थित करके अरेंज करके रखना भी बहुत ज़रूरी जीवन का एक पार्ट होता है। तो यहाँ पर मैं कुछ सामान जब बेटी को स्कूल छोड़ने जाती हूँ उसी समय लेके आती हूँ, जो भी चीज़ ख़त्म हो जाती है यूज़, जो ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें होती हैं वो मैं आते हुए शॉप से लेकर आती हूँ। तो लेकर आ गई थी और थोड़ी देर एक बार चाय पीने के बाद सारी चीज़ों को अभी अरेंज करने लगी हूँ। किचन जितनी फैल गई थी वो सारी किचन अभी सेट करने लगी हूँ। सुबह जो टिफ़िन वगैरह मैं बना कर दिया था उसके बाद जितने भी बर्तन अब हो गए हैं ये सारे बर्तन सिंक में रख दूँगी ताकि थोड़ी देर बाद उनको मैं साफ़ कर लूँ। और ये जितने भी स्टैंड होते हैं जब हम खाना बनाते हैं तो गर्म आइटम रखने के लिए स्लैब पे रख लेते हैं, तो इनको भी जहाँ मैं होल्ड करके रखती हूँ, टांग के रखती हूँ, उस जगह रख दूँगी। इस समय मेरे जो किचन में नैपकिन रखे रहते हैं वो ख़त्म हो गए थे, तो मैं नैपकिन निकाल कर लेकर आई हूँ और इस होल्डर के अंदर इसको भी रख दूँगी। और साथ में मैं आपको बताऊँ, ये एक स्टैंड मैं किचन में हमेशा रखती हूँ, मैंने ऑनलाइन ही इसे परचेज़ किया था, तो इसके अंदर छोटा मोटा आइटम जो है वो जो किचन में ज़्यादा ज़रूरी होता है वो सारी चीज़ आ जाती हैं। और इस तरह एक एक करके सारी चीज़ों को उनकी प्लेस पर मैंने रख दिया है। बेटी को आज स्कूल के टिफ़िन में मैंने टोस्ट बना के दिया था, तो अब इसको भी जो टोस्टर होता है इसको भी क्लीन करके वापस रखना होता है, अदरवाइज़ अगर थोड़ी बहुत चींटियाँ हों वो या फिर गंदगी के साथ कुछ चीज़ें जमा हो जाती हैं जो बिल्कुल भी अच्छी नहीं रहती हैं। हाइजीन का हमेशा ख्याल रखना चाहिए किचन के अंदर। तो इसको मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है और इसकी प्लेस पर इसे भी रख दूंगी। यहाँ सामने सबसे नीचे की तरफ मैं टोस्टर रख देती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं ठीक हूँ। शाम के बज रहे हैं 5 और मैंने सोचा कि चलिए छत पे घूम के आते हैं, आप लोगों को भी लेके चलती हूँ और जो गोभी के पौधे लगाए थे देख के आएँ कि आज वो कैसे हो रखे हैं, कैसे दिख रहे हैं। तो चलते हैं। यहाँ पर मेरी बिटिया बना रही है PPT। क्या हुआ, अभी ऑन नहीं हुआ है? हाँ, थोड़ा सा टाइम लेता है ऑन होने में। हो गया, ये ऑन हो गया है। तो यहाँ हर्षिता कर रही है अपने स्कूल का कुछ काम लैपटॉप पे बैठी है और हम लोग चलते हैं ऊपर। बेटा मैं आ रही हूँ, एक बार ऊपर उठ के बाय। अंधेरा, अब बहुत जल्दी अंधेरा हो जाता है। अभी 5 पूरे बजे नहीं है तब भी अंधेरा हो गया है। ये देखिए गोभी के पौधे लगाए थे जो, पानी दे जाऊँगा भाई हूँ तो इसमें, ये तो सूख सा ही गया, ये थोड़ा ठीक है। एक ये वाला भी थोड़ा सा ठीक दिख रहा है और एक ये, चलिए पानी दे देते हैं इनमें। देखिए इनके बगल वाले जो अंकल हैं इनके यहाँ कितने सारे बैंगन लग गए हैं। कितना सुंदर लग रहा है। छोटे छोटे और भी हैं अंदर।
काफ़ी अच्छा लगता है ऊपर आ जाओ तो, बट यही होता है कि ऊपर आने का मुझे टाइम ही नहीं लगता है। नीचे कई बार चली जाती हूँ, ऊपर नहीं आ पाती। और चलिए आपको दिखाती हूँ कि नीचे जो प्लाट है वहाँ पे कितने सुंदर गेंदे के फूल आ गए। ये देखिए, ये इधर येलो कलर वाले और ये ऑरेंज कलर वाले, बहुत सुंदर लग, कितना अच्छा लग रहा है ऊपर आसमान। चलिए ऊपर आई थी पौधों को देखने, इनको पानी देने, और अब चलते हैं नीचे क्योंकि चाय का भी टाइम हो गया है और बिटिया रानी भी वेट कर रही होगी। तो चलिए चलते हैं। आज मैं झाड़ू लगा के गई थी पर आज वो लाइट उतारने वाले आए थे तो फिर धंधा करके चले गए। जी लाइट भी चला देते हैं।